हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो वी आर आई कमिंग टॉपिक एग्रीकल्चर। आज का जो न्यू टॉपिक है, जो न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, इसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, या कामली भाषा में हम इसको क्या कहते हैं? मशरूम, राइट। तो आज का टॉपिक है मशरूम या एग्रीकल्चर। सिस्टमेटिक पोजीशन, किंगडम फंजाई, फाइलम बेसिडियो माइकोटा, क्लास हाइमनोमाइसिटी, आर्डर एग्रीकेल्स, फैमिली एग्रीकेसी, जीनस एग्रीकस, राइट। जो किंगडम है फंजाई, फाइलम बेसिडियो माइकोटा का फंगस है। ये बेसिडियो माइकोटा से बिलोंग करते हैं, सब रीजन बेसिडियो माइकोटा का फंगस है। इसलिए क्लास हाइमनोमाइसिटी, आर्डर एग्रीकेल्स, फैमिली एग्रीकेसी और जीनस एग्रीकस, राइट। अकरेंस, प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए, मशरूम जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो एडिबल मशरूम होता है, दूसरा हार्मफुल मशरूम होता है। जो एडिबल मशरूम होता है उसको हम यूज करते हैं, खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा व्यवसाय उसका चल रहा है, बड़े पैमाने पर लोग उद्योग धंधे बैठा रखे हैं और उसको यूज करते हैं, उसमें विटामिन प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जबकि एडिबल मशरूम के अलावा हार्मफुल मशरूम भी है, जो आपने सुना था सबसे पहले हानिकारक मशरूम रहा हुआ एमिटा, सबसे हानिकारक मशरूम था, और जो इस समय पुआल पे, घास भूस पे, लकड़ी पे उग जाते हैं वो भी क्या होते हैं? पॉइनस मशरूम ही होते हैं। तो दो तरह के मशरूम है, टू टाइप, पॉइनस एंड नॉन पॉइनस। पॉइनस मशरूम आर अवेलेबल इन नियर अबाउट आवर लाइफ एंड नॉन पॉइनस मशरूम इन इंडस्ट्रियल एरिया या आवर प्रोडक्शन इन लेबोरेटरी, राइट। अकरेंस, तो प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? द जीनस इज ए सैप्रोफाइट। यह फंगस क्या है? सैप्रोफाइट फंगस है। क्यों? क्योंकि ग्रो ऑन ओनली डेड ऑर्गेनिज्म, हमेशा मृत जीवी पदार्थ पे उगता है, इसलिए इसको कामली भाषा में क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट। ग्रो ऑन ओनली डेड ऑर्गेनिज्म व्हिच ग्रो ऑन डंप रॉटन, सड़ी हुई लकड़ी पे, लॉक्स ऑफ वुड, लकड़ी के लॉक पे, सॉइल रिच इन ह्यूमस, जहां पे बहुत सारी पत्तियां गिर गई हों, सॉइल रिच हों, मैन्योर पिल्स, गोबर खाद पे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल और डेड एंड मृतजीवी पदार्थ के ऊपर ये फंगस ग्रो करते हैं। अगर आपको लेबोरेटरी में भी उगाना होगा तो डेड ऑर्गेनिज्म ही चाहिए, उसमें सॉइल चाहिए, भूसा चाहिए, खली भी चाहिए, कुछ और मटेरियल मिलाकर हम ग्रो करते हैं। कमली जो आफ्टर रेनी या ड्यूरिंग रेनी सीजन के आसपास उगता है, वो भी चढ़ी हुई लकड़ी पे, गोबर खाद पे, ह्यूमस पे इत्यादि पे मशरूम ग्रो करता है। जनरली सीन ड्यूरिंग रेनी सीजन, इस समय हम जनरली बरसात के दिनों में देखते हैं। द फंगस इज कॉमनली नोन एज मशरूम, कुकुरमुत्ता एंड ढीगरी। इस फंगस को समान तौर से मशरूम कहा जाता है, अपने उत्तर प्रदेश में कुकुरमुत्ता के नाम से जाना जाता है एंड पंजाब में ढीगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मशरूम हर जगह वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी जगह पाए जाते हैं, सभी जगह रिपोर्टेड है। अब इसको बड़े पैमाने पर खाने के लिए यूज भी करते हैं, तो हर जगह इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, राइट। सोमैटिक स्ट्रक्चर, इसके माइसिलियम कैसे बनते हैं? तो द माइसिलियम, द प्राइमरी माइसिलियम इज फाउंड बाय द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियो स्पोर। इसमें माइसिलियम देखिए प्राइमरी बनता है, प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्टरी माइसिलियम बनते हैं। थ्री टाइप्स माइसिलियम आर प्रोड्यूस्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी। प्राइमरी माइसिलियम ओरिजिनेटिंग इज माइसिलियम बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ जर्म ट्यूब, इट इज कॉल्ड प्राइमरी माइसिलियम। प्राइमरी माइसिलियम उसे कहते हैं कि जो जर्म ट्यूब जर्मिनेट करता है, वही प्राइमरी माइसिलियम होता है। और प्राइमरी माइसिलियम यूनिन्यूक्लिएट एंड सेप्टेट, प्राइमरी माइसिलियम यूनिन्यूक्लिएट होता है एंड सेप्टेट होता है। आफ्टर सम टाइम सेकेंडरी माइसिलियम, सेकेंडरी माइसिलियम डाइकैरियोटिक सेप्टेट एंड ब्रांचेस। फिर उसके बाद सेकेंडरी माइसिलियम उसी से बनता है, जब डोलीपोर सेप्टा बनता है, इसमें डोलीपोर सेप्टा बनते हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी माइसिलियम इस तरह स्ट्रक्चर बनता है, प्राइमरी दोनों प्राइमरी है, वापस में टच करेंगे, जिस आंस पर टच करते हैं वहाँ की वाल डिजॉल्व कर जाती है और वहाँ से डाइकैरियोटिक माइसिलियम शुरू होता है। दो केंद्र की होते हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी माइसिलियम कहते हैं। सेकेंडरी माइसिलियम बनता चलाता है, क्लैम कनेक्शन बनते चले जाते हैं और बहुत सारे माइसिलियम डेवलप करता है, ब्रांचेज होते हैं, सेप्टेड होते हैं। बाद में टर्टरी माइसिलियम, जिसको फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं, वही टर्टरी माइसिलियम कहलाता है, राइट। तो प्राइमरी माइसिलियम हो गए, प्राइमरी माइसिलियम जर्मिनेट, जो ओरिजिनल जर्म ट्यूब होगा उसी को प्राइमरी माइसिलियम कहते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी माइसिलियम बनता है, सेकेंडरी से टर्टरी माइसिलियम बनता है, राइट। रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड। दोनों तरह के रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। क्लेमाइडोस्पोर स्वेलिंग एट द इंटरवल्स ऑफ हाइफा, जगह जगह हाइफा का फूल जाना है क्या कहलाता है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर में भी टू टाइप में भी इंटर कैलरी एंड टर्मिनल, जगह जगह से फूलना ही इंटर कैलरी पोजिशन कहलाता है, और ऊपरी भाग फूल जाए टिप पे फूल जाए उसको टर्मिनल कहते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए मेन जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जरा हम फंगस की फ्रूटिंग बॉडी देखते हैं, मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी छत्ता कहते हैं जिसको स्नेक बोलते हैं, छत्ते की तरह दिखाई देता है या अम्ब्रेला की तरह दिखाई देता है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए पाइलस है जो ऊपरी स्ट्रक्चर कहलाता है, अपर पोर्शन रूफ वाला स्ट्रक्चर छत वाले पोर्शन को उसको हम क्या बोलते हैं पाइलस बोलते हैं। इसी के अंदर गिल्स होते हैं जो छोटे छोटे रेखाएं दिखाई देती हैं उसके लोअर पोर्शन पे, छत्ते के लोअर पोर्शन पे अम्ब्रेला जैसे है, अम्ब्रेला के लोअर पोर्शन पे आप देखेंगे तो रेखाएं छोटी छोटी दिखाई देती हैं, इसको हम ऑल्सो कॉल्ड इज गिल्स। ठीक उसी के नीचे जो जुड़ा होता है उसको एनल्स कहते हैं, वहीं से वो एनल्स से जुड़ा होता है और एनल्स के ठीक नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है उसको हम स्टाइप कहते हैं। और स्टाइप कहाँ जुड़ा होता है बल्बा से जुड़ा होता है, बल्बा के ठीक नीचे माइसिलियम पाया जाता है और ये माइसिलियम जो होते हैं इसको हम राइजोइड राइजोमास बोलते हैं और ये सॉइल के अंदर होते हैं। जैसे यहाँ से सॉइल होती है यहाँ तक नियर अबाउट सॉइल के अंदर ही माइसिलियम इसका जर्मिनेट करता है, छत्ता बना रहता है, उसी से धीरे धीरे ऊपरी स्ट्रक्चर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनते चले जाते हैं। तो अपर पोर्शन पाइलस, लोअर पोर्शन गिल्स, एनल्स, स्टाइप, वल्बा, माइसिलियम इन सॉइल, राइट। अब लाइफ की कैसे शुरू होती है देखिए, अब इसमें इसके अंदर क्या होंगे जर्म ट्यूब स्पोर बनेंगे, मैच्योर कंडीशन में होगा तो स्पोर छत्ता फट जाता है, स्पोर बाहर निकल जाते हैं। ये स्पोर को हम क्या कहते हैं प्राइमरी कहते हैं, स्पोर जर्मिनेट बाय प्राइमरी माइसिलियम। अब स्पोर ये इमीडिएटली जर्मिनेट करते हैं और प्राइमरी माइसिलियम बनाएंगे, राइट। अब प्राइमरी माइसिलियम के बाद इस आपस में टच करते हैं, फ्यूज करते हैं, आफ्टर फ्यूजन डाइकैरियोटिक माइसिलियम इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसिलियम। अब यहीं से सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसिलियम शुरू होता है, स्टार्ट होता है, और सेकेंडरी माइसिलियम तब होते हैं जब इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म गॉल्जी बॉडी माइटोकांड्रिया वेकुल्स आर एक्सेट्रा जब जर्मिनेशन बाय जर्म ट्यूब एंड फॉर्मेटेड सेकेंडरी माइसिलियम। अब सेकेंडरी माइसिलियम आफ्टर क्लैंप कनेक्शन, अब इसमें क्लैंप कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लैंप कनेक्शन जब स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे क्लैंप कनेक्शन से ब्रांचिंग होती चली जाएगी, डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनते चले जाएंगे। तो आप आफ्टर क्लैंप कनेक्शन कुछ समय के बाद प्लाज्मोगैमी होगा, कैरियोगैमी वन प्लस वन न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस आर फ्यूज आल्सो कॉल्ड कैरियोगैमी। मेल एंड फीमेल जिस प्रकार का हम कह सकते हैं, एक प्रकार मेल न्यूक्लियस होता है एक फीमेल न्यूक्लियस होता है, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करेंगे तो यहाँ पे 2N बन जाता है, 2N का मतलब होता है कैरियोगैमी, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे माइटोसिस शुरू होता है, माइटोसिस शुरू होगा तो 1 से 2 न्यूक्लियस होंगे, फिर मियोसिस होगा 2 से 4 न्यूक्लियस होंगे, इसी स्ट्रक्चर को हम टर्टियरी माइसिलियम कहते हैं, राइट। अब इसमें चार स्पोर बनेंगे क्योंकि चार स्पोर हैं, तो चारों स्पोर आपस में ऊपर डेवलप करते हैं और जो स्ट्रिंग माटा होता है हुक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं स्ट्रिंग माटा, इसी के स्ट्रिंग माटा के ऊपरी हिस्से पे पिसिडियो स्पोर आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ स्ट्रिंग माटा। पिसिडियो स्पोर बनते हैं वो स्ट्रिंग माटा के ऊपर बनते हैं और चार बनते हैं, 1 प्लस स्ट्रेन माइनस प्लस स्ट्रेन माइनस अपोजिट, दो अपोजिट होते हैं क्योंकि दो प्लस स्ट्रेन में होंगे तो दो माइनस होंगे, उसी को हम टू फीमेल आर्गन मानते हैं टू मेल आर्गन मान लेते हैं या टू मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स भी मान लेते हैं, तो गैमिट्स ही मानते हैं इसको, तो एक प्लस स्पोर होगा एक माइनस स्पोर होगा। और धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर देखिए आपका पाइलस स्ट्रक्चर जो बनता है बाद में ये स्पोर फिर यही जर्मेट करते हैं या फिर बाद जर्मेट करके इस तरह स्ट्रक्चर बनाते चले जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन आप
फ्रूटिंग बॉडी जिसको कहते हैं, बेसिडियोकार्प जिसको कहते हैं, ये स्ट्रक्चर बेसिडियोकार्प का बनना शुरू होता है और धीरे धीरे जब यही बेसिडियोकार्प मैच्योर कंडीशन में होते हैं तो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम मशरूम कहते हैं, राइट। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है एग्रिकस या सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना का फंगस है, क्लास हाइमोनोमाइसिस से मिलान करता है, इसको कमली भाषा में हम मशरूम के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कुकुरमुत्ता के नाम से जाता है, जबकि पंजाब में ढिंबरी मशरूम के नाम से जाना जाता है, राइट। अभी इसके अलावा बहुत सारे एडिबल मशरूम हैं, उसको न्यू टॉपिक में बताया जाएगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।